वेलकम विजन एंड प्लानिंग। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। SBI PO प्री का रिजल्ट निकला है, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, आपको सफलता मिली है। जिन लोगों ने भी सफलताएं पाई हैं उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मेंस एग्जाम के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना 100% परफॉर्म करेंगे मेन एग्जाम में। इसी पर उनका कंसंट्रेशन होना चाहिए, उन्हें सफलता भी अवश्य मिलेगी। विजन एंड प्लानिंग के पिछले वीडियोस में मैंने योजनाएं बनाई हैं, उनके अनुसार आप चल रहे होंगे मेन एग्जाम को लेकर के। कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में भी दूंगा, एक बार फिर उस पर जोर दूंगा, बताऊंगा। लेकिन उस पर बात करने के पहले, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अनअकैडमी पर भी हूं, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहां पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इस एग्जाम में जो सफल हुए स्टूडेंट, उन्होंने निश्चित तौर पर एक मुकाम हासिल किया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में से ये एक है और इसमें आपने सफलता पाई है। अब सामने मेन एग्जाम है, उस ओर कदम बढ़ाना है, अपने को झोंक देना है। आप वो कीजिए जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है। कुछ और टिप्स मैं इसमें दूंगा, बताऊंगा, बात करूंगा। लेकिन जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिला उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिव से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। आपने मेहनत की, अपना 100% परफॉर्म किया, जहां तक आप पहुंच सके ये आपका अचीवमेंट है। उसी को पूंजी बनाइए और उसी पर इमारत खड़ी कीजिए अगली तैयारी की। जो एग्जाम्स आगे होने वाले हैं उनमें आपको बेहतर परफॉर्म करना है। आप चले थे एक स्टेप आगे बढ़े, फिर अगला स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। इसलिए जीवन में निराशा के लिए कोई जगह नहीं है, भूल जाइए। सिर्फ ये याद रखिए कि आपने जो मेहनत किया उसके मुताबिक आपको फल मिला। जो दिक्कतें थी, जो कमजोरियां थी, उन्हें आगे आने वाले समय में दूर करना है। तो हां, जो मेन एग्जाम दे रहे हैं, आपने पहला चरण पूरा किया है, अभी लंबा सफर तय करना है। मेन एग्जाम के लिए आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, यदि आप सही ढंग से उसका उपयोग नहीं करते। और वो बिल्कुल भी कम नहीं है यदि आप उसका सदुपयोग करते हैं। सवाल है आपका अप्रोच क्या है। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में तो मैं बार बार कहता आ रहा हूं, वेस्टेज ऑफ टाइम। जितना आपको मिलना चाहिए उसका 90% आपने गंवा दिया यदि आप ऑनलाइन टेस्ट के चक्कर में गए। क्यों, फिर मैं बताता हूं। जो टाइम बचा है उसमें आप कैसे कंसोलिडेट करें, ये जरूरी है। ऑफलाइन क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, उस पर थिंक कैसे करें। आपने प्री क्वालिफाई किया है, इसका मतलब आप बहुत दूर तक पढ़ चुके हैं, चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। मेन एग्जाम आपकी स्टेबिलिटी देखता है, आपका डेप्थ देखता है। किसी क्वेश्चन को कितनी गहराई तक आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये देखता है। इसलिए आपको उस दृष्टि से सोचना है। मैंने योजना बनाते समय बार बार आपको कहा कि शेप के रूप में भले ही डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, कैसलेट आता है, डेटा सफिशियंसी है और मिसलेनियस इनइक्वालिटी है, लेकिन मूल में वो चैप्टर है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, उसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्री आपने क्वालिफाई किया है।
तो मेन एग्जाम के लिए चैप्टर से क्वेश्चन आने के बावजूद चैप्टर्स को छोड़ दीजिए, साधारणतया चैप्टर्स छोड़ दीजिए, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है और तभी तो प्री क्वालिफाई किया है। फॉर्मेट में जाइए। अब 2 महीने पहले जब मैंने प्लानिंग तैयार की थी तो कहा था ओनली चैप्टर्स चैप्टर्स चैप्टर्स, लेकिन चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। अब फॉर्मेट में जाइए, जो चैप्टर बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं। अच्छा, ये क्वांट की मैं चर्चा कर रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा कर दूं एक कॉम्बिनेशन की। आप डिफरेंट सेक्शन में जो आपका पॉजिटिव है उसे स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि नई चीजों को सीखने के लिए समय नहीं है। इंग्लिश में जो स्ट्रांग साइड है आप उन्हें और स्ट्रांग बनाइए, कंसोलिडेट कीजिए। रीजनिंग में जो आपका स्ट्रांग साइड है उसे ही कंसोलिडेट कीजिए। कट ऑफ कम होगा, सिलेक्शन कम में होगा, डेप्थ में आपको जानकारी चाहिए, इसलिए जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग बनाइए। थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कोई सेक्शन यदि आप नहीं पढ़ पाते तो, क्योंकि उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना नहीं है, लेना है लिमिटेड जिस पर आपका कमांड है, डेप्थ है। इसीलिए अगर कोई चैप्टर वीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए। क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन में चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर जाइए चैप्टर बेस्ड डीआई के लिए। और चैप्टर बेस्ड डीआई जब आप बनाते हैं, मान लीजिए आपने बोर्ड एंड स्क्रीन पर पढ़ा डीआई बनाया, तो अब अगला डीआई मैं अभी तुरंत देने वाला हूं बोर्ड एंड स्क्रीन पर चैप्टर बेस्ड डीआई, वो आप बनाइए, सोचिए, और अगर उसमें कहीं दिक्कत होती है तो उस चैप्टर के वीडियो में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। लेकिन साधारणतः चैप्टर पर जाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर बेस्ड डीआई, चैप्टर बेस्ड डीआई। लेकिन इसके चक्कर में दूसरे डीआई को छोड़ नहीं देना है, क्योंकि मिसिंग डीआई भी आएगा ही आएगा, तय है। डबल या ट्रिपल फिगर डीआई भी आएगा ही आएगा, ये तय है। एनालाइज करने के लिए वो जगह वो क्वेश्चन आएंगे ही। कैसलेट फॉर्म में जो क्वेश्चन हैं जितना आप बना सकते हैं ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए। ऑफलाइन में क्यों बोलता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप उसको हाफ एन आवर तक सोचते रहिए, टेस्ट में तो आप नहीं सोच सकते ना, अभी आपको सोचना है, पढ़ना है, टेस्ट नहीं देना है। 1 आवर तक आप एक डीआई सेट को देखते रहिए, सोचते रहिए कैसे बना, क्यों बना, क्या किया जा सकता था, क्या कर सकते थे, इस यही आपको चाहिए। आपको 1 आवर तक एक डीआई पर सोचना है, टेस्ट नहीं देना, सोचना है उसके मेथड, उसके कॉन्सेप्ट। जितना ज्यादा सोचिएगा यही एग्जाम में आपको काम आएगा, इसीलिए मैं टेस्ट के अगेंस्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि 1 आवर तक आपको एक एक डीआई सेट या एक एक क्वेश्चन सेट जो 5 क्वेश्चन का होता है उस पर सोचने से उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका डेप्थ बढ़ेगा। कैसलेट भी वही है, कैसलेट फॉर्म में क्वेश्चंस को देखिए, स्पेशली पार्टनरशिप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ट्रेन से भी होगा और टाइम एंड वर्क वाले सेक्शन से भी होगा, ये कैसलेट्स होंगे। कैसलेट फॉर्म में अगर रोज आप 1 या 2 कैसलेट बनाते हैं तो एग्जाम तक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन टाइम का उपयोग, 1 आवर में सिर्फ 5 क्वेश्चंस का एक सेट बनाना है, क्योंकि उस पर सोचना है, ये सोचा हुआ ही आपको काम आएगा। रोज 1 DI सेट, रोज 1 कैसलेट। अगर आप मैथ में बनाते हैं, 1 डेटा सफिशियंसी का बनाते हैं, मिसलेनियस इनइक्वालिटी का 1 बनाते हैं, लेकिन सब पर 4 सेक्शन में 4 आवर्स दीजिए, 4 घंटे मुझे देना है और ज्यादा नहीं बनाना है। यही 5 into 4 20 questions को क्वेश्चन का सेट ऐसा ही बार बार रोज करेंगे, समझते हैं? 20 डेज में 20 questions को डेप्थ में आपने 1 आवर के लिए समझ लिया, एग्जाम पर आपका कमांड हो गया, एग्जाम अच्छा होना है, तय है। यही मुझे आज के दिन कहना है, जो आपका वीक है रोने का समय नहीं है, उसके बारे में सोचने का समय नहीं है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांट हो, मैथमेटिक्स का सेक्शन हो, आपका जो बेस्ट साइड है उसको लेकर के चलिए। ओके, ऑल द बेस्ट।